अभी बात कर रही हूँ मैं अपने कैमरामैन से, गुजारिश करूँगी आप मेरे साथ आ जाए, मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगी ये वाली डंपिंग साइट है। और वो जो आप देख रहे हैं जो शेड है, इसको बताया गया था पहले यहाँ पे हम नमाज पढ़वाया करेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया था कि मस्जिद शरीफ है, लेकिन आप देख लीजिए मस्जिद शरीफ, अगर वहाँ पे मस्जिद शरीफ है, मस्जिद शरीफ के इर्द गिर्द ये सारी गंदगी होनी चाहिए। खुदा रसूलस पे ये बजे जंजर युत रोनम तथा लगे खलन करने तमें सत गोर मश तथा तमें सुन त्रि अलम कर्मुत ये फैक्ट्री मे बसान सारी मिनिस्टर से लेकर पुलिस से लेकर तहसीलदार से लेकर यम क्या अफसर से लेकर कॉल स्टोर सारी तुम मान हमलस मस्जिद जमीन मस्जिद सम ूट यह मुसलमानी सही मुसलमान आ पक गस मस्जिद मज सू मुसलमान वन मे गो मस्जिद नमाज पढ़ना चेर मे कुरबानी कर गरीबन हंदन खून कहान आज घर गुस्त बहु पान बेमार छह खराब बहुत मान जरिए गुस्त मोन अल तो बेमार गुन कि गरिकन वो अख्त तथा कहें मालिक कुरानस पे आज गुन गर कहीं बहन ची ये मलेरिया वो खत्म गई नबर से ना तो मीडिया वाल तकरीबन कूत टाइम लग भग डाय रे पे लक्ष क्रेख हमलस सारी कॉल स्टोर वाल गंडाराज क्या पुलिस गंडाराज तहसीलदार गंडाराज क्या एडमिशन गंडाराज अगर वो अड़े त्राल अड़े इस्लामाबाद अड़े बारामूल अड़े टंगमर्ग वनो कम रात की जन आई मरत अस रोज वार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत पान टंगमर्ग रोजन वो चोर वरी गए फैक्ट्री मज कर बहस इमाम आज त्रे वरी द्राय बिल क्लियर ठीक आज यो गो लग भग त्रे रेत गई अख जी रेत गई कॉल स्टोर वाले अन ूट त्रेस गई तुम तु क्या त्रो ूट पता मुलिम तिड़को वाल तमो अस लड़ाई तमो मोन कहें अस तुर अति फिक्र कॉल स्टोर वाले लग भग लक्ष ज लक्ष रुपये उन दिम फिक्रो अहन आ क्या यम तुम अहन आम ूट त्रा अफसर ये मौक पे ये मज तहसीलदार तय यप नायब तहसीलदार आव यपर सिड़को वाले आए यपर पुलिस आव नहीं मिलट्री तय तन पे कह नुम वोमुत दह लटि वो तुम्हें तुम पांचन दहन मिनटन वन तुम ट्रैक्टर वाले तुम नीरू ये वो त्रो ये ूट कह पे जनाब हिसाब तुम नारा शुंगा कह बजे पे तुम ूट त्रा बी ओत दिखे ट्रक नंबर तो यह रात किस साढ़ कह वो थोत तमें जेर ूट तुम त्रेन ये अंदर कन चे लग भग डाय बिहार हथ नफर कशिर लग भग चिलर ओतर पे लग भग तृह ज नफर चल अड़े गई छत खराब अड़े गई सू मलिया अत मे लड़का अस तेज हुन यड पे पुलवोम नी तुम लसपुर नी तुम तमो दुबा तुम हाँ इनफेक्शन गुम तुम क्या खेवान जनाब अस वो तूट त्रम नबर कहीं अत गुमत यी तेज दुख ऐसा क्या मलिया कैन क्या वोमुत बिचारस तृह सा रुपये जन पांच सा रुपये लगे बचस पान वो ल आमित ईद तंग ई तंग अगर दर त्रा मस्जिद हिंस अच्छे मालिको दुम मस्जिद कमर बन अगर अंदर तथे त्रा क्या वन दर ये कम अज कम गांदर तो मही सासन मजा अंदर कहीं युद्ध बत् शहर लग भग बत् शहर सस मज ग तृह ताजी पंच मछ चाय बनाना अल्लाह ताला सिंद रोन मे रात सिन खुदा रसूलस पे ये बजे जंजरी युत रोनम तथा लगे खलन करने तमें सत गई चोर मछ तथा तमें सासन त्रित अलम कर्मुत ये फैक्ट्री मे बसान सारी मिनिस्टर से लेकर पुलिस से लेकर तहसीलदार से लेकर यम क्या अफसर से लेकर कॉल स्टोर सारी तुम मान हमलस जुलम कर तुम जाना यह फैक्ट्री सारी खुद कमजोर फैक्ट्री क्या अच्छे अच्छे नबरम बिहार आम कमि उम बिचार वन वा चलो रात पे रुकमी तुम हे अस बड़ी तुम गुस्सू बहु पान टंगमर रोजन वो अल्लाह ताला आज तर ग कहें बिहार दपा अस चलो आज रात किस यह घर क्या गई बेमार अच्छे दह जाना दोस पंदा लगान क्या रेत अरु सब बहुत बड़ा नहरबानी कर ये तहसीलदार सब डी एस पी सब एस पी सब मीडिया वाले से कर नहरबानी कर गुजारिश अर तुम नश आजाद अगर अस तुम वसन तेल करू असे तुलू अस तु हस्पताल मे ब्रोह दाखिल मे आज घर गुस्त बहु पान बेमार छह खराब बहुत मान जरिए गुस्त मोन अल तो बेमार गुन कि गरिकन वोम अख्त तथा कहें मालिक कुरानस पे आज गुन गर कहीं बहन ची ये मलेरिया वो खत्म गई नबर से ना तुम मीडिया वाले तकरीबन कूत टाइम लग भग गई डाय रे पे लक्ष लुज क्रेख हमलस सारी कॉल स्टोर वाल गंडाराज क्या पुलिस गंडाराज तहसीलदार गंडाराज क्या एडमिशन गंडाराज अगर वो अड़े त्राल अड़े इस्लामाबाद अड़े बारामूल अड़े टंगमर्ग वनो कम रात की जन आई मरत जन अस कस रोज जिम्मार जिम्मार कस रोज अकिस कॉल स्टोर मह पंह पंह शेट शेट नफर सत्त सत्त नफर चेर जन आई अस मारने अस कस रोज जिम्मार अच्छे पुलिस तिल्ट्री नहीं कह नहीं पुरुष बेमार गल्ला तला कुछ युक्रिया
خدایس کن تیت شکر اللہ پھر مجھے ہسپتال تھی بہ گوس پان بیمار چیٹ شام اندر کن اللہ تعالیٰ سندرکو یہ ہوا چھ چیٹ پہ گوس بہ گھر بہ گوس کنزر گوس بہ پہ یہ گو کیا وا کھرس درائے مے پیپر پہ ویم دہ یہ دلیل یہ امکے مان ثہ ملیریا وتھ اس گیا بیمار اچھ مہ پہ کول شور وال اگر تھی اس ذات اتھ اندر کن ہو بتس مز ترو زہر اس مرو تو نیرو پندہ دہ گئی مسجد شریفس زو شرہ دہ بند کھانچ مسجد مزا کھان بہر مندرس مزا اگر اہد حساب مسجد تو مندر روز بند اہد کھلونا روزن ہے تیل کرتن اس پہ یہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے یہاں کھانا کھانا دشوار ہو جاتا ہے اچھا ادھر سے ہوا چلتی ہے تو بدبو بہت اڑتی ہے کھانا کھانے کے لیے پریشان ہوتے بندے مکھی بہت ہیں مچھر بہت ہیں گندگی کے کارن ہو رہا ہے یہ سب یہ ہٹایا جائے یہاں سے آپ رہنا چاہتے ہو یہاں ہاں یہاں رہنا چاہتے ہیں لیکن رہنا کون دیتا ہے یہاں اچھا اگر بات کریں یہاں کی بیمار ہوتے ہیں یہاں ملیریا اٹھا ہے یہاں پہ اتنی فلائز ہیں تو سانس لینا مشکل ہے اب نظر محترم یہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی ہم نے نکالا ہے چونکہ ہم گراؤنڈ زیرو پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ سب نے ماسک لگایا ہے میرے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مکھیاں ہیں اور جو کہ بہت پریشان کر رہی ہیں منہ میں بھی جا رہی ہے اس وقت لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کولڈ اسٹوریج پہ ان کا الزام ہے کہ وہ یہاں پہ لگا رہے ہیں یہ جو سڑے ہوئے روٹ ایپلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیب جو ہے میرے پیچھے یہ بہت ساری تقریباً کوتا ایریا چھو یہ لگ بھگ یہ کم از کم پانچ اٹھ کنال زمین اتھ لکھو گوڈ بورڈ مسجد شریف لکھو یہ جامع مسجد پتہ سری احترام کران یہ مسجد شریف شڈس شڈس ونکس تہ بورڈ بنائے مسجد شریف پتہ آئی رات کس انک جے سی پی کم از کم آئے زہ ہتھ نفر جے سی پی سی درائے تمہیں نبر یہ کیا دون یہ سا تھوڑا یہ صفائی کر گئی خوش اس دک یہ سانہ خطر خوشی اگر صفائی اس گئی رائے یہ مسجد شریف پتہ ترک اتھ راتس مز کم از کم ژتجی پنژہ ڈمپر ژونٹ پتہ گئی سڑکو افسرن تہ گئی لوکل تمہیں پوز تم سپورٹ کر تم بالکل سون مانے اکہ کن تم ونان بیے کن مان تم یور تم اختی تمہیں کیا وا ٹر وال ڈمپر والن دمکا ہے تھی نیرو سا وا شام تم سن ملازم شونگا کہہ باہ بجے رات اکہ بجے دہی بجے تری بجے رات تم بیم صبح چیز نندر وا واتان اتنا کم از کم ترہ ڈمپر پیمت ژتجی ڈمپر ژونٹ پیمت مگر میانہ حساب سے یہ میانہ حساب یہ سارے ہند حساب کول سٹار والو ٹوٹ پوسہ دمس کیا وا افسرن کرو سا تھی یہ ملیریا تلو یتس کالس تمہیں پوسہ آن کھمت یوتا آپ سانہ فیکٹری پہ ظلم کی اچھا برائی نربان یہ کت وا اگر ایڈمیشن یہ حساب تھی کر سانہ فیکٹری کرن قلف اس سنس روز روزس کرن قلف یم نبرم بہر قاشر اس کرن چھٹی سنس عیالس کر دین زار اس نیرو یہ باقی تقریباً لگ بھگ زہ تو پانچ ترہ نفر بہر تو بیشر لگ بھگ ترہ نفر ژتجی نفر بیمار لگ بھگ ستھ نفر گھر نظر محترم یہاں کے لوکل ہے اگر نان لوکل کی بات کریں ذرا آپ یہاں پہ آئے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ آئے لوگ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیکھیے یہ پورے انڈیا میں اگر انڈیا کی نہیں بات کریں گے پورے بہت سارے ملکوں میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کشمیر سے اس وقت ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں یہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ ہے میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے اور یہ جو ہے یہ نان لوکل ہے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں بتائیے کیا پرابلم ہے ہم لوگ بل کیا لگ رہا ہے بل ٹیکس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اگر جو کولڈ اسٹور والے چاہتے تو یہاں نہیں ڈالتے یہاں اسی لیے نہیں ڈال رہے کہ یہ لوگ نہیں رہے تو ہم لوگ کو اس سے تو بہت پریشانی ہو رہا ہے دس بندے مطلب آپ نان لوکل سے ہم لوگ نان لوکل ہیں تو یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کولڈ اسٹور والے کہ یہ لوگ بھاگ جائیں دس لوگ بھاگ بھی گئے اتنا بدبو دے رہا ہے اس کا کہ ہم لوگ کھانا نہیں کھا پاتے ہیں روم میں ہم لوگ کھانا نہیں کھا پاتے ہیں اتنا بدبو دے رہا ہے تب بتائیے یہاں کیسے رہیں گے ہم لوگ یہاں رہنے کے لیے یہ بدبو برداشت کر کے کھانا کھایا جائے گا نہیں کھایا جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں غلط بالکل غلط کر رہے ہیں جو بھی کولڈ اسٹور والے بالکل غلط کر رہے ہیں ہم لوگ کئی بار منع بھی کیے یہاں پہ کہ آپ لوگ مت ڈالیے بہت بدبو دے رہے ہیں لیکن نہیں مانتے ان لوگوں نے کئی بار ہم لوگ منع کیے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں تو ہم لوگ تو یہی ہے کہ سوچتے ہیں کہ چلے جائے تو ہم لوگ تو باہر ہی گئے تو چلے جائیں گے کیا کریں گے لاسٹ میں
डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली यहाँ के जो नॉन लोकल हैं ये बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए। हालांकि हम हॉस्पिटैलिटी में नंबर वन माने जाते हैं कश्मीरी, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ये जो मज़दूर आए हैं, मज़दूर यहाँ के जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं आए दिन। मज़दूर है और डेफिनेटली इतना पैसा नहीं कमाते हैं कि हर दिन हॉस्पिटल जाए। और इस वक्त जो मेरी हालात है वो सिर्फ़ मैं जान सकती हूँ। सब ने यहाँ पर मास्क पहना है, फ्लाइज मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, वोमिटिंग, मुझे नौशिया हो रहा है इस वक्त। अगर आपकी बात करें तो आपको क्या लगता है कश्मीरी आपके साथ ये कोल्ड स्टोरेज वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ? गलत कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया। देखिए रूम है हमारा, इसके पीछे पूरा डाला हुआ है कचरा। अब ये पेड़ की हालत देखिए। सुने, कैमरा की ओर देखिए, आप लोगों से बात कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं बात कर रहे, लोगों से बात कर रहे, ठीक है? इंसान को तो छोड़िए, इधर पेड़ पौधों की हाल देखिए क्या हुआ है। इतना गंदगी है, अब यहाँ खड़े हैं इसको हरकार है, मक्खी है, कीड़ा है, छोटा छोटा, इतना मुश्किल करता है, सांस लेना ही मुश्किल हो गया। हम लोग यहाँ पे बहुत आदमी भाग भी गए यहाँ से, यहाँ पे काम करने वाले इधर भी है, चारों तरफ काम करने वाले बीच में है, यहाँ पे इधर नदी है, इधर पानी भी है, चलता है इधर, लेकिन इधर नहीं, इधर डाल दिए कि सबको जीना दुश्वार हो गया यहाँ पे। अभी आपकी क्या गुजारिश है इन लोगों से, ये जो यहाँ पे आते हैं डंपिंग साइट पे रात को अचानक से चोरी छुपे डालते हैं यहाँ पे, ये जो रोटन एप्पल्स है, जो सड़े हुए सेब है, क्या उनको, अगर वो आपको देख रहे हैं, आपकी क्या मांग रहेगी गवर्नमेंट से, और उन लोगों तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं जो आपको यहाँ से निकालना चाहते हैं? तो वही पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ गंदगी मत डालिए। यहाँ पे आदमी लोग बहुत काम करते हैं, एक नहीं, यहाँ 500-700 आदमियों का, यहाँ अगल बगल में रहते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक कचरा की वजह से आदमी लोग रूम से निकलना मुश्किल हो गया है। आदमी बार बार जाते, कोई जाता है लसीपुर, कोई फुलवामा, कोई श्रीनगर इलाज कराने भागते हैं, कोई घर भाग जाते हैं, ऐसा अभी माहौल बन गया यहाँ का। चलिए नजर मोहतरम, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको लसीपुरा पुलवामा से। यहाँ पे जो लोकल्स हैं या नॉन लोकल्स हैं, दोनों की एक मांग है कि यहाँ पे जो तकरीबन ये जो आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं रोटन एप्पल्स यहाँ पे रखे जा रहे हैं, वो भी रात के टाइम पे यहाँ पे ट्रैक्टर्स आते हैं और रात के टाइम पे ही यहाँ पे सड़े हुए सेब डाले जाते हैं, जिसकी वजह से बदबू बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मलेरिया उठा है। और बात अगर करें बीमारियों की, बीमारियाँ अनगिनत यहाँ पे हैं। मेरे सामने ही आप देख रहे हैं एक नदी है, वहाँ पर भी वाटर बॉडी जो है वो डेड हो चुकी है। यहाँ पर कोई जैसे है ही नहीं, जहाँ जैसे यहाँ पे ये लोग रहते ही नहीं है। जैसे कोई, अगर हम बात करें जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था, किसी का कोई सुनता नहीं था, आज वही यहाँ पे हो रहा है। मेहरबानी करके हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो डंपिंग साइट आपने बनाई है इसको यहाँ पे ख़त्म करें। डंपिंग साइट ऐसे ना बनाए जैसे यहाँ पर तकरीबन 300-400 लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर खड़ी है, ख़त्म हो रही है। हर कोई 300-400 लोग जो है वो हमने यहाँ पे देखा है बीमार हैं तकरीबन। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया भी कर रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं किस लिहाज से शुक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल नहीं है, ये इनको जाना पड़ता है श्रीनगर इलाज करने के लिए, या इनको जाना पड़ता है अनंतनाग इलाज करने के लिए। बाकी विजुअल्स में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितना जो है कचरा मचा के रखा है, यहाँ पे कितने रोटन एप्पल्स हैं, कितनी गंदी स्मेल है, वो हम आपको दिखा तो नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, वर्ड्स ही नहीं है। यहाँ पे इनका कहना है कि खाने पीने में मच्छर मक्खियाँ जाती है, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूँगी आप मेरे साथ आ जाए, मैं बिल्कुल आपको दिखाऊँगी ये वाली डंपिंग साइट है। और वो जो आप देख रहे हैं जो शेड है, इसको बताया गया था पहले यहाँ पर हम नमाज पढ़वाया करेंगे, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था कि मस्जिद शरीफ है, लेकिन देख लीजिए मस्जिद शरीफ, ये क्या मस्जिद शरीफ के, अगर वहाँ पे मस्जिद शरीफ है, मस्जिद शरीफ के इर्द गिर्द ये सारी गंदगी होनी चाहिए? हम आप ही से पूछ रहे हैं, क्या इतनी गंदगी होनी चाहिए? बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देख लीजिएगा कि हमारे कश्मीर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। नॉट ओनली कश्मीरीज, नॉन लोकल के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज वालों की जानिब से।